भारत और बांग्लादेश के बीच जो है अभ्यास मैच की शायद उतनी अहमियत नहीं होती अगर विराट कोहली पहले से ही टीम इंडिया के साथ जुड़ गए रहते, क्योंकि फिर सस्पेंस नहीं रहता कि टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या होगा, प्लेइंग एलेवन क्या होगी, जो इतनी चर्चा चल रही है विराट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, प्लेइंग एलेवन में होंगे, अगर प्लेइंग एलेवन में होंगे भी तो उनकी क्या भूमिका होगी, और यही तमाम सवाल जो है आप लोग हमसे लगातार पूछ रहे हैं। तो मैंने जो अभ्यास सत्र देखा उसके बाद जो हमारी जानकारी हमने इकट्ठा की उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि भाई इस मैच में क्या होने वाला है, क्या विराट कोहली वाकई खेलेंगे। विराट कोहली को लेकर देखिए, अगर ये कोई दूसरा खिलाड़ी होता, मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी खिलाड़ी कोई भी होता, तो वो निश्चित तौर पे मैं आपको 100% गारंटी दे सकता था कि नहीं वो नहीं खेलता, क्योंकि ये आसान ही नहीं है कि आप US से उतरे और उसके 24 घंटे बाद आप सीधे मैदान में उतर जाएंगे, ये गारंटी आप किसी दूसरे खिलाड़ी, और हमने देखा भी टीम इंडिया का जो मैनेजमेंट है उन्होंने तमाम जो खिलाड़ी हैं एक दिन नहीं सबको दो दो दिन रेस्ट दिया, नेट्स में गेंदबाजी करने नहीं दी, युजवेंद्र चहल को गेंदबाजी करने नहीं दी उन्होंने, यशस्वी जायसवाल को बैटिंग करने नहीं दिया, लेकिन संजू सैमसन ने बैटिंग की थी, हालांकि संजू सैमसन एक दिन पहले आ गए थे। तो कई बार आपकी बॉडी क्या फील करती है, विराट कोहली के साथ एक एक्सेप्शनल बात यह है कि विराट कोहली एक अलग तरह के एथलीट है, जुनूनी है, और अगर विराट कोहली खुद से फील करते हैं, उनकी बॉडी फील करती है कि नहीं आई एम फाइन, उन्होंने दिन भर आज रेस्ट लिया, यहाँ पर सोए आराम से, उनकी थकान मिटी, और उसके बाद अगर विराट कोहली जो है डिसाइड करते हैं राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को, वो कहते हैं कि नहीं मैं फाइन हूँ और मैं खेलना चाहता हूँ, मैं खेलूँगा, वार्म अप गेम है यार, कॉम्पिटिटिव गेम से बढ़िया कुछ और नहीं, हो सकता है विराट कोहली जो 3 घंटे जो हैं वो फील्डिंग ना करें, सिर्फ बैटिंग करें, उनके बदले कोई और फील्डिंग कर ले, एक संभावना है, गेटिंग इनटू द ग्रुप की बात है, हालांकि इसकी संभावना कम ही है लेकिन संभावना है चूंकि ये विराट कोहली हैं। तो खैर अगर विराट कोहली खेलते हैं जिसकी संभावना बहुत कम है, तो ये फिर सवाल आता है कि विराट कोहली क्या ओपन करेंगे या फिर तीसरे नंबर पर बैटिंग करेंगे। मुझे लगता है कि अगर विराट कोहली खेलेंगे तो वो फिलहाल जो है जो फिलहाल जो इंडियन टीम का जो जिस तरह से लग रहा है शायद वो ओपन ही करें, अनलेस एंड अनटिल इंडियन टीम ने इस मैच में कम से कम, आगे आयरलैंड के मैच में क्या करते हैं, देखिए नथिंग इज कास्ट इन स्टोन, टीम इंडिया बहुत फ्लेक्सिबल है, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, अभी आने वाले वक्त में आपको प्लेइंग एलेवन को लेकर, कॉम्बिनेशन को लेकर कई तरह की बात सुनने को मिलेगी। बात ये भी चल रही है कि क्या रोहित शर्मा जो हैं वो मिडिल ऑर्डर में जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दिन मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग की थी, क्या विराट कोहली को तीसरे नंबर पर ही रखेंगे, या विराट कोहली के बहुत लोगों की दलील है कि विराट कोहली का आप ओपनर लेके जाइए क्योंकि वहाँ आप उनको बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, बहुत लोगों का तर्क है कि रोहित और विराट के साथ आपको जाना चाहिए, अब ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि अगर रोहित और विराट के साथ आप दोनों को ओपनर लेके जाते हो तो दोनों एक तरह के बैट्समैन हो जाते हैं, राइट हैंडर हैं, और दोनों का अगर आप जो स्टाइल, क्योंकि यहाँ पर मैचअप्स जो T20 है मैचअप्स का गेम है, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो या लेफ्ट आर्म पेसर हो, दोनों के खिलाफ जो दोनों का रिकॉर्ड जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, तो आपको इनको ब्रेक करने के लिए एक लेफ्ट हैंडर लाना है, नहीं तो टीम में क्या होते हैं, हर टीम के पास एक लेफ्ट आर्म पेसर और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो वो शिकंजा अपना कसने की कोशिश करता है, तो इन सब पहलुओं से निपटने की कोशिश, इसलिए एक तर्क ये है, एक तर्क ये दिया जा रहा है कि आप यशस्वी जायसवाल को रखिए ऊपर में बैटिंग कराइए, यशस्वी जायसवाल को आपको रहना चाहिए, युवा खिलाड़ी हैं, उन्होंने तीनों वनडे तो क्रिकेट नहीं खेले लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की है, उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए पिछले सीजन ज़बरदस्त खेला था, इस बार भी उनका रिकॉर्ड कोई बुरा नहीं रहा है, तो यशस्वी जायसवाल होने ही चाहिए, और देखिए विराट अगर नहीं खेलते हैं तो यशस्वी जायसवाल डेफिनेटली आपके एक ओपनर होंगे, रोहित शर्मा फिर ओपन करेंगे क्योंकि फिर वहाँ पर छेड़छाड़ नहीं होगी, और टीम इंडिया के लिए मुश्किल घड़ी आएगी कि अगर यशस्वी जायसवाल ने 50 या 100 रन बना दिए तब फिर आप उनको कैसे ड्रॉप करोगे, फिर तो वो आपको परमानेंट रखना होगा, तो यानी ये जो है टीम इंडिया के लिए मुश्किल होगी। तो अच्छा एक और थॉट जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये भी कहा जा रहा है कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको आँख जमाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं होती है, दोनों अनुभवी खिलाड़ी हैं और दोनों कुछ देर जम जाते हैं तो ये लोग आखिरी ओवर में भी बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, चाहे वनडे क्रिकेट की बात करें या T20 क्रिकेट की बात करें, इनके पास वो शॉट्स हैं और दूसरे छोर पर इनको आक्रामक बल्लेबाज, तो क्या टीम इंडिया ये सोच सकती है कि विराट और रोहित इन दोनों में से एक को मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाए, मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाए और आपके ओपनर जो हैं युवा तेज तर्रार ओपनर के साथ आप जाएं शुरुआत करें, शिवम दुबे को भी आप ऊपर रखें, यशस्वी जायसवाल को ऊपर रखें,
एक ओपनर, एक दोनों में से विराट और रोहित में से एक ओपनर रहे और एक जो खिलाड़ी है वो मिडिल ऑर्डर में रहे। इससे क्या होगा कि आप शिवम दुबे को भी खिला सकते हैं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन का फैक्टर आ रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि इसकी एक जो झलक है आपको जो बांग्लादेश के खिलाफ जो अभ्यास मैच में है उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर वजह कुछ भी हो, प्लेइंग 11 कुछ भी हो, इंडिया की गुत्थी जो है वो सुलझने की बजाय उलझ जाएगी अगर यशस्वी जायसवाल खेलते हैं और उन्होंने बड़ा रन बना दिया। लेकिन इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छी बात होगी, तो हम लोग लगातार इस पर नज़र बनाए रखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे जो लग रहा है विराट कोहली इस मैच में कम से कम नहीं खेलेंगे, ज़रूरत भी नहीं है। और जब वो आएंगे अभ्यास, 2 तारीख को वो अभ्यास करेंगे, 3 तारीख को अभ्यास करेंगे, 4 को हो सकता ना करें, 5 को पहले मैच में खेलेंगे। किस पोजीशन पे खेलेंगे इसकी क्लैरिटी कल मिल जाएगी। अगर रोहित और जायसवाल के बल्ले से रन बनते हैं, आक्रामक शॉट्स दिखते हैं, तो नथिंग लाइक दैट। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।